हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। द बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड। वी कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, द बैकग्राउंड इज पेंटेड टू द आउटसाइड एज ऑफ द बॉर्डर, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। पैडिंग बॉक्स, the background is painted to the outside edge of the padding. Content box, the background is painted within the content box. So, इसको कैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि बॉडी टैग में अगर आपने लिखा हुआ है तो border 5px dotted black, ये मैंने border लिखा हुआ है। ऊपर के दो लाइन्स को ध्यान नहीं देना है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने border देखा हुआ नहीं है कि border कैसे बनाया जाता है। बैकग्राउंड कलर मैंने खाकी सेट किया हुआ है और बैकग्राउंड क्लिप जो हमारे इस ट्यूटोरियल का मेन पार्ट है उसमें हम मैंने लिखा हुआ है कंटेंट बॉक्स। तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड का जो पेंट, द बैकग्राउंड इज पेंटेड विद इन द कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स जो जहाँ आप अपना कंटेंट लिखते हैं उसका जो बॉक्स है वहीं आपको पेंटेड मिलेगा इस कलर से। तो चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल में। देखें तो यहाँ मैंने P टैग में इस रूल को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ मैंने इस ये जो ऊपर की जो दो लाइन्स हैं इसके थ्रू मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है और बैकग्राउंड कलर मैंने सेट किया हुआ है खाकी और बैकग्राउंड क्लिप मैंने यहाँ बॉर्डर बॉक्स लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो ये चीज़ अप्लाई होती है इसमें, ठीक है। फिर भी अगर आपने लिखा हुआ है बैकग्राउंड क्लिप तो बॉर्डर बॉक्स लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं कि इससे सबसे पहले क्या होता है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये पूरा कलर आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि बारीकी से आपको पता चले कि इसमें हुआ क्या। आपको कलर दिखाई दे रहा है, इसको लोग नीचे करते हैं, इसको कट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ चेंज करते हैं यानी कि सेकेंड वैल्यू देते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारा क्या था, सेकेंड वैल्यू हमारा था पैडिंग। तो पैडिंग बॉक्स यहाँ मैंने दिया, ठीक है। इसको हम लोग फिर से रन करने के बजाय उसी को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये जो है हमारा बॉर्डर बॉक्स का दिखाई दे रहा है, अभी हम लोगों ने पैडिंग कर दी थी। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि पैडिंग और बॉर्डर में क्या डिफरेंस होता है। सो रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, आप देखेंगे कि पहले ये यहाँ भी पेंट था, ठीक है, लेकिन अब ये इसने इसके एजेस को चारों तरफ से आप देखेंगे कि छोड़ दिया, उसके नीचे से यहाँ से ये एरिया पेंटेड नज़र आ रहा, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग बॉक्स में और बॉर्डर बॉक्स में। अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है कंटेंट बॉक्स, तो कंटेंट बॉक्स को भी देख लेते हैं। कंटेंट बॉक्स इसको सेव करते हैं और उसी को मैं रिफ्रेश करते हैं। इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं कंटेंट बॉक्स के लिए। तो रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि जहाँ आपका कंटेंट है केवल वहीं आपको आपका पेंटेड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्लिप को। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।